तस्वीर शहीद जवानी की जो हमारे पास बातें हमारे लिए नई नई सेवाएं हमारे स्कूलों में दाखिल हो रहे हैं अधिदान के मुताबिक तस्वीर शहीद की जो हमारे पास आई है उसमें अनानियत कोई केवल कोई रोड नहीं है उसमें पीर का तस्वीर का मतलब भी खाली सिलसिले में यह है कि फकत पीर की सूरत आंखों में रहे लेकिन ख्याल ग्रहण में रहे ऐसा है हमारे सिलसिले में पीर का तस्वीर रहे तो खाली शक्ल पीर की ग्रहण को नहीं देख सकते हो अगर किरानी बिल्कुल देख ली है उसके बाद पीर की सूरत का तस्वीर करना हराम है क्योंकि नहीं देखे हैं काम चलाने के वास्ते है वो काम चलाने के लिए तो तस्वीर शायद नहीं है हमारे पास तस्वीर शायद अब तो खाली किरानी है पीर क्या है खाली पीर क्या है एक शक्ल है लोग अपने पीरों में मिलाकर लोग भी रहते हैं ऐसे वैसे लोग भी रहते हैं हमारे पीरों में किसी का हमारे पास खाली शक्ल पीर की जो नहीं देखे किरानी बिल्कुल तस्वीर में किराने के होते हैं नमाज भी हम पढ़ रहे हैं तस्वीर शायद करना इस वास्ते जाए थे कि हमारे तस्वीर में तो किराने पे सुभान अल्लाह तो गुनाहगार नहीं है ना कि गुनाहगार रहा तो सौ साल पैदा होते पीर ऐसा भी है उन्हें अपनी नमाज नहीं पढ़ता नमाज में उसका तस्वीर करना जाए अब नमाज पढ़ता ही अगर गुनाहगार है उसका तस्वीर नहीं है नहीं देखा सकते काम कराने को शक्ल से सुस्ती है और तस्वीर सरकार बहुत से पाता है और हमारे पास हमारे सिलसिले के उसी का नाम मरकजी ऐसे हम सी एस से हमारे पास बाजार ना लेना चाहिए एक ही हीरो हमारे सिलसिले में है बल्कि यूँ कहिए आप हमारे सिलसिले के पूरे तीन मुरीद है हमारे सिलसिले में एक ही पीर है उसमें का नाम अजीब आगे वो बादशाह है और उस बादशाह के सामने किसी का कोई मुकाम कोई मर्तबा नहीं है तो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने वो विलायत का सूरज है तो दो क्लैरिफिकेशन समझ गया पीर का नाम लेने की जो बात है हमारे सिलसिले के अंतर्गत बोलो हमारे पास किराने पीर का नाम लेते हैं और हमारे पूरे पीरभाई में तरीका से बता रहा हूँ नमाज में तस्वीर शायद करना जायज लेगा वो क्या है क्या नहीं हमारे तालीम में बिल्कुल जायज है तस्वीर शायद करे तो वहां शामिल होती है और तस्वीर शायद का मतलब पीर का सिर्फ पीर की सिर्फ निगाह जहन में रहे पीर की शक्ल सिर्फ तस्वीर में रहे और तस्वीर सरकार वो से पा कर रहे उनकी एक मंजिल है अधिदान मतलब सरकार किराने पीर को अल्लाह तला ने बैर बनाया तो ऐब नहीं होंगी ऐब भी नहीं है तो वह पिताजी ने कहा ऐब रहा हमारे से लोगों की बात आती दस लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि पिराने पीर को नहीं दिया सोचे शक्ल से काम चलाओ तस्वीर में सरकार पिराने पीर को जिनकी बात बेहद है बल्कि मुझे कहने दीजिए जिसके तस्वीर में पिराने पीर है उसके तस्वीर में पिराने पीर नहीं है तस्वीर ही नहीं मेरे अकीदे में जुदाई का एक शेर सुना था मैं मैं इसको इश्क कहूँ मैं इसको कुफर कहूँ या कमाल इश्क कहूँ मैं इसको कुफर कहूँ या कमाल इश्क कहूँ नमाज में भी तुम्हारा प्यार रहता है तो तस्वीर के अंतर है तो खैर ये दो प्यारे सोचाने की बात अब सुनिए हजरत बंदा नवाज क्या इच्छा फरमाते हैं वो इच्छा जिक्र करके मैं बात खत्म करूँ हजरत खारा बंदा नवाज फरमाते हैं कि जो मुरीद अपने पीर का नाम कसरत से लेता है सुबह को एक बार शाम को एक बार वो मतलब नहीं दवा का वैसा सुबह दो साल शाम खाने के बाद वो मतलब नहीं है सांस की तरह रग रग में नस नस में सांस उठे तो यावत चाहिए उठे सांस छूटे तो यावत चाहिए उस तस्वीर की बात कर रहा हूँ आपके सामने दमदम अली अली दमदम हम अदम अली अली की बात आपके सामने कर रहा हूँ हजरत ख्वाजा बंदा नवाज जैसी तरह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर कोई अपने पीर का नाम कसरत से लेता है तो अल्लाह ताला उसके पीर की विलायत के मरातिब में से एक मरतबा उसको क्या मिलता है लोगों की विलायत इतिहास बहुत आसानी से मिलती तो थ्रो द प्रॉपर चैनल आके देख कहीं नहीं मिलती ढूंढे तो चिराग में मिलता है ढूंढने से गुजार भी मिलता है तो विलायत क्यों नहीं मिलती हजरत खाजा बंदा नवाब जैसे दराज रहमत इसमें क्या है इंटरेस्टेड नहीं बात नवाब की पाबंदी हजार आराम की कभी होना तो होती है शरीयत का निजाम भी अपनी जगह तैयारी है सुन्नत रसूल अरबी से मुंह मोड़कर विलायत नसीब नहीं होती अलग बात है उसका लिहाज रखते हुए हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो अपने पीर का नाम कसरत से लेता है तो अल्लाह ताला उसके पीर की विलायत के मुकामत में से एक मुकाम उसको अता कर देता है बहुत से आदम का नाम किए तो क्या मिलता क्या मिलता क्या मिलता आप लोग हमसे पूछते हैं अजीज आदमी मोहतरम मैं आपके सामने रख करूँ पिराने पीर का नाम लिए तो क्या मिलता हजरत बंदा नवाज के इरशाद से साबित होता है कि पिराने पीर की विलायत के मुकामात में से बोलना की बदर के खिलाफ में क्या है इतनी बड़ी बात क्यों बोलना दूसरे को बनियों के बारे में बोलना वैसा विलायत के मरतबों में से मरता होता है यहाँ क्या बोलना विलायत का सत्ता मिलता है सत्ता मिला दूसरे मरतबों पर भारी है तो मतलब साधा बंदा नवाज फरमाते हैं कि पीर का नाम कसरत से लेने वाले को पीर की विलायत का हिस्सा नसीब होता है पिराने पीर का नाम कसरत से लिए तो क्या मिलता हजारों साल की इबादत जहां करने को अगर बैठे
मेरे लिए बहुत ज्यादा दोस्तों का नाम महाशय मौसम सब सहारे टूट जाते हैं वहां पर काम आता है सहारा डॉक्टर यादव का। मैं गुलाम शाह जिंदा मुझे क्या अरस किसी से सुबह डॉक्टर यादव शाम होगा।